फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आशीष। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कक्षा नौवीं जो कि मध्य प्रदेश की जो नई इंग्लिश है जिसे एनसीईआरटी से लिया गया है उसका जो सिलेबस है, खासकर जो टेक्स्ट बुक है बिहाइव टेक्स्ट बुक, उसका जो सिलेबस है, उसका जो कंटेंट्स है, उसके बारे में यहाँ पर हम आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ फ्रेंड्स आप देखिए कि यहाँ पर आपको जो टोटल लेसन्स होंगे वो लगभग आपके 11 लेसन्स होंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। जो फर्स्ट लेसन रहेगा वो हो जाएगा आपका द फन द हेड, और इसके जो राइटर हैं वो है आइज़ैक आसिमोव। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें कि प्रत्येक एक लेसन के साथ में एक पोएम भी रहेगी, जो इसमें पोएम है द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोइट हैं। अगला जो यहाँ पर आपको मिलेगा लेसन वो है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है एवेलिन ग्लेनी का, जिसे लिखा है देवो राय कौली ने, और जो दूसरा पार्ट है वो है बिस्मिल्ला खान। इसके साथ में जो आपकी पोएम रहेगी वो है विंड, और इसके जो पोइट हैं वो है सुब्रमण्य भारती, यानी कि जो पोइटिस है वो है सुब्रमण्य भारती। तो आगे देख लें फ्रेंड्स, जो थर्ड लेसन है वो है द लिटिल गर्ल, और इसकी जो राइटर है वो है कैथरीन मैंसफील्ड, और इसके साथ में जो पोएम रहेगी वो है रेन ऑन द रूफ, और इसके जो पोइट हैं वो है कैट्स कोट्स किनी। और जो फोर्थ लेसन है वो है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, और यहाँ पर देखें इसके साथ में जो पोएम है वो है द लेक आइजल ऑफ एनिसफियर और एनिसफ्री। और यहाँ पर देखें कि ये हो जाएगा इसके जो पोइट है वो है विलियम बटलर यीट्स। फाइव नंबर के जो लेसन हैं वो आप देख लें, द स्नेक एंड द मिरर, वैकम मोहम्मद बशीर ने इसको लिखा हुआ है, और आगे इसमें जो पोएम है वो है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, फीवी कैरी इसकी पोइटिस है। आगे देखें माई चाइल्डहुड, और ये आप भली भांति जानते होंगे, ये जो लेसन है डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है, और इनके साथ में इस लेसन के साथ में जो पोएम रहेगी वो है नो मैन आर फॉरेन, और इसके जो पोइट हैं वो है जेम्स किरकप। सेवेंथ जो लेसन है वो है पैकिंग, जेरोम के जेरोम द्वारा लिखा गया है, और पोएम जो रहेगी वो है द डक एंड द कंगारू, इसे लिखा है एडवर्ड लियर के द्वारा। आगे देख लें, रीच फॉर द टॉप, एट्थ लेसन है रीच फॉर द टॉप, और इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट में है संतोष यादव, और जो सेकेंड पार्ट है वो है मारिया सारा पोवा, जिसे आप भली भांति जानते होंगे। और इस लेसन के साथ में जो आपको पोएम है वो है ऑन किलिंग ए ट्री, गीव पटेल द्वारा इसको लिखा गया है। नौवां जो लेसन है वो है द बॉन्ड ऑफ लव, किनेथ एंडरसन द्वारा लिखा गया है, और इसमें जो पोएम है वो है द स्नेक ट्वाइंग WWE रोज। आगे देखें, टेंथ जो लेसन है वो है काठमांडू, और इसके जो राइटर है वो है विक्रम सेठ, और इसके साथ में जो पोएम रहेगी वो है स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, विलियम वर्ड्सवर्थ इसके पोइट हैं। आगे देखिए, जो 11th लेसन है वो है इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता। तो यहाँ पर देख लें कि इसके जो राइटर है वो है डगलस जेम्स। तो ये फ्रेंड्स आप देखते हैं कि ये 9th क्लास जो हाल ही में एमपी बोर्ड में शामिल की गई है, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक बिहाइव है, ये उसका कंटेंट है, यानी कि टोटल इसमें आपको 11 लेसन पढ़ने होंगे, और प्रत्येक लेसन के साथ में एक पोएम है। इस तरह टोटल जो पोएम है वो भी 11 हो जाएंगे, और इसी तरह आपका जो लेसन है वो भी 11, और उतने ही आपकी पोएम्स बनेगी 22। आपको यहाँ पर एक तरीके से जो लेसन्स हैं और उनके क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ने को मिलेंगे। मेरा मानना है कि ये जो आप बिहाइव टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट है उससे आप भली भांति परिचित हो गए होंगे, और अब इस के माध्यम से आपको पढ़े आपको लेसन और पोएम से रिलेटेड वीडियोज आपको उपलब्ध होंगे, जिनके माध्यम से आप पढ़कर आनंद ले सकते हैं और अपनी जो पढ़ाई है उसको एक आयाम दे सकते हैं, उसको एक गति दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेसन के साथ में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो।